रमन भाई, देशमुख के घर में 2 खो का माल पहुंचा दिया गया है। हाँ, देशमुख की फैमिली को भी यहाँ से गांव में शिफ्ट करा दिया गया है। आप फिक्र मत कीजिए, वो जेल से निकलते ही पंडित को मार डालेगा, और पंडित खलास तो हल्दीराम भी खलास। 4 स्लिप पे कर रहे हैं यार, 4 फील्डर बाउंड्री पर आगे आउट हो गया यार। आउट तो हो गई यार, जब इतने सारे नए खिलाड़ियों को लेकर इन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस मार जाता है। वर्ल्ड कप में लेकर के आए ये लोग। आप फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। खोलो। कौन है आप? हमें पंडित ने भेजा। पंडित! मुंबई में आज फिर एक डेलाइट मर्डर हुआ है। ये मर्डर भी हल्दीराम और रमन कालिया के चलते हुए गैंगवार का नतीजा है। सूत्रों के अनुसार गोलीबारी का शिकार सिराज रमन कालिया गैंग का इंपॉर्टेंट मेंबर था। हम ये जानना चाहते हैं कि ये गैंगवार इस शहर में कब तक चलती रहेगी। पंडित साफ होना। नहीं रमन भाई, ऐसा मत करना। देखो, थोड़ी पॉलिटिक्स खेलो, हल्दीराम के साथ दोस्ती करो। जैसे पंडित तुम्हारे हाथ में आएगा, हल्दीराम खत्म। पहली बार अकल का बात किया तुम। चलो शकील। हाँ सर। गाड़ी निकालो। जी सर। ए जेलर, हम मंत्री के साथ और अर्जुन मीटिंग के लिए जाता, 2-3 घंटे में वापस आएगा, और थोड़ा मेरा सेल साफ करने का बहुत बदबू मारता है। ए, चलो। हाँ चलो। स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिसर यहाँ पर आने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस का ये कहना है कि रमन कालिया और हल्दीराम के बीच में गैंगवॉर चल रहा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि रमन कालिया इस वक्त जेल में है, तो इसका मतलब ये है कि रमन कालिया जेल से ही ऑपरेट कर रहा है। आज सिराज को मिलाकर मेरा पूरा 9 आदमी का गेम हो चुका है। ये जो हल्दीराम है, मेरा चमचा था, चमचा, लेकिन एक पंडित की ताकत की वजह से मेरी कमर को तोड़ता जा रहा है। और तू एक मंत्री होकर भी आज तक मेरे को जेल से रिहा नहीं करवा पाया, समझा? रमन भाई, अगर 4 पॉलिटिशियन तुम्हारे साथ आते, 6 पॉलिटिशियन हल्दीराम के साथ भी हैं। उसकी पकड़ पॉलिटिशियन पर बड़ी मजबूत है। तू तब भी रोता था जब थिएटर के बाहर टिकट को ब्लैक करता था। तेरे रोने से मैं तंग। खैर, मैं जेल के अंदर हल्दीराम के आदमी को फोड़ा, वो जैसे जेल के बाहर जाएगा। पंडित साफ होना। नहीं रमन भाई, ऐसा मत करना। देखो, थोड़ी पॉलिटिक्स खेलो, हल्दीराम के साथ दोस्ती करो। जैसे पंडित तुम्हारे हाथ में आएगा, हल्दीराम खत्म। पहली बार अकल का बात किया तुम। चलो शकील। हाँ सर। गाड़ी निकालो। जी सर। ए जेलर, हम मंत्री के साथ और अर्जुन मीटिंग के लिए जाता, 2-3 घंटे में वापस आएगा, और थोड़ा मेरा सेल साफ करने का बहुत बदबू मारता है। ए, चलो। हाँ चलो। दोस्ती करने को आया, घोड़ा थोड़ी लाएगा। क्या कलयुग आ गया, मंत्री की भी झड़ती ले रहे हैं। नमस्ते हल्दीराम जी। क्या काम है मंत्री? हल्दीराम जी, मैं चाहता हूं आपकी और रमन भाई की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसलिए मेरे विचार में आप दोनों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए। कैसा समझौता? वो तेरे को मैं बताता हल्दीराम। मेरे धंधों में से 3 धंधे मेरे को बहुत पसंद है, और वो है रंडीबाजी, ड्रग्स और फिरौती का धंधा। इसमें से तेरे को मैं एक देने को तैयार, शांति का वास्ते। इसका बदले में हमको क्या देना होगा कालिया? पंडित। हल्दी भाई, इस वक्त सोचिए मत। अगर पंडित तुम दोनों के लिए शांति दूत बनकर अपना बलिदान देता है, तो मैं वादा करता हूं कि मैं पंडित के नाम पर एक चौराहा और एक पार्क बनवा दूंगा। हथियार बेचा जाता है कालिया, कोई अपनी ताकत नहीं बेचता। अरे एक बात समझ लो, अगर तुम लोगों की यह बात पंडित के कान में पड़ गई, तो तुम लोगों का चौथा आज से ठीक 4 दिन बाद होगा। इसलिए मेरी बात मानो, जितनी शराफत से यहाँ पर आए हो, उतनी ही शराफत से वो क्या कहते हैं, हाँ, गेट आओ। रमन भाई सुनिए तो। रमन भाई सुनिए। रमन भाई चुप। मेरे को इधर लाके मेरा बेइज्जती किया। ऐ बैठ। कल सुबह मंगेश जेल से बाहर आता, सिटीजन होटल में जाकर उसको घोड़ा देना, और उसको बोलो मेरे को पंडित का डेड बॉडी चाहिए, समझा तुम? रमन कालिया से कहना कि इसका क्रियाक्रम भी वो अपने हाथों से करे। देशमुख, कमिश्नर साहब ने हल्दीराम की फाइल मंगाई है। ए, रोना बंद करे, रोना बंद कर, तो मारूंगा एक झापड़। तेरी हालत किसने बनाई? साहब, वो दो आदमी थे, क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे थे, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा साहब। लेकिन मारा क्यों? साहब, सीकुन बिल्डिंग में एक लड़की गाड़ी से उतरी साहब, उसके पास बहुत सामान था, मैंने उसकी मदद करनी चाहिए साहब, उसका सामान उसके घर तक पहुंचाया, भलाई का। अच्छा, तुमने उस लड़की की मदद की इसलिए तुम्हें मारा? सच बता। सच बताओ साहब, वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, अपनी नज़र इधर उधर चली गई और उन लोगों ने मुझे बहुत मारा साहब। वो बोले अगर दोबारा देखा तो तेरे दीदे निकाल देंगे। हम लोग पंडित के आदमी हैं। पंडित? ये लड़की कौन है? जैसे डस रहा कोई नाग है, मुझे ठीक से ये पता नहीं कि मैं राह किसकी हूँ देखती। कोई आएगा, कोई आएगा, मेरे दिल का अब यही राग है। एक दिन तो कोई आएगा जो रंग नया लाएगा, वो आएगा तो बदलेगा समा। शोला सा कोई भड़केगा, दिल जोर जोर भड़केगा, मचलेगा जो दिल में को। बेटी बहुत हो चुका काम। क्यों पापा? भगवान की दया और अपनी मेहनत से तुमने 4 पैसे जोड़ लिए। अब तुम अपना घर बसाने का फैसला करो। डॉक्टर सिद्धार्थ अच्छा लड़का है। सोच रहा हूँ कल परसों पूना जाकर रिश्ते की तारीख पक्की कराऊं। मेरा फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है पापा, पहले मुझे बिट्टू का फ्यूचर बनाना है और आजकल करियर बनाने के लिए काबिलियत से ज्यादा पैसों की जरूरत है। मैं देखती हूँ। पंडित कहाँ है? पंडित मंदिर में। कौन से मंदिर में? किसी भी मंदिर में देख लो, कोई ना कोई पंडित मिल जाएगा। क्या बात है इंस्पेक्टर? पापा ये किसी पंडित की बात? मैं बात करने नहीं, तहकीकात करने आया हूँ। आज सुबह एक लड़के ने तुम्हें सामान उठाने में मदद की थी? हाँ की थी। दो आदमियों ने उसे बहुत पीटा था। पीटा होगा, किसी के आपसी झगड़े में मुझे क्या लेना देना। स्मार्ट रिप्लाई। आप जानती हो लोग कौन थे? आप जानिए, मैं जानकर क्या करूंगी। वो पंडित के लोग थे। ये पंडित कौन है? एक वांटेड क्रिमिनल। पुलिस रिकॉर्ड में 8-10 कत्ल किए उसने और ऑफ रिकॉर्ड न जाने कितने। अगर तुमने इस पंडित के बारे में कुछ सुना तो मुझे यहाँ कांटेक्ट कीजिए। याद रखना पंडित। बेटा किसी पुलिस वाले का इस तरह से घर में आना अच्छी बात नहीं है। पापा ये सब पुलिस वालों के ढकोसले हैं। जब इनसे खुद कुछ करते नहीं बनता तो भले लोगों को परेशान करने चले आते हैं। लेकिन ये पंडित है कौन? होगा कोई गुंडा, हमें क्या करना। चलिए खाना खाते हैं। हेलो मैडम, जैसे पुराना क्रिकेटर कमेंटेटर बनता है ना, वैसे पुरानी गाड़ी म्यूजियम में जाती है। शट अप। वैसे हमें गाड़ी दे रहे थे, आपकी गाड़ी तो स्टार्ट हो नहीं जाएगी। गो अवे। अरे मैडम आपको अकेला छोड़ के हम कहाँ गो अवे हो जाएं? हमें भी तो ऊपर जवाब देना है। वैसे अगर आप चाहें तो हम आपको इस गाड़ी से कहीं भी छोड़ सकते। आप लोग हैं कौन जो बिन बुलाए मेरी मदद करने चले आए? हम पंडित के आदमी हैं। पंडित के चमचे। अरे मैडम क्या गजब कर रहे हो, पैदल कहाँ जा रहे हो आप? अरे आओ ना आप गाड़ी में आओ। अरे आप पैदल जाओगे तो पंडित नाराज हो जाएगा। टू हेल विद योर पंडित, मेरा पीछा किया ना तो मैं चप्पल से मारूंगी। देख चाची, अगर हम मैडम को गाड़ी में बिठालते तो मैडम हमको चप्पलों से मारेगी और हम नहीं बिठालते तो पंडित हमको 1000 बार का थप्पड़ मार देगा। तू भी ऊंट बनेगा आदमी है यार। मैडम आपको मारना है ना, लो मारो लो मारो मारो। भाई ऐसा है आप मारोगे तो पंडित तो नहीं मारेगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्रियाक्रम करेगा हमारा। चलो लो मारो मारो मारो। अरे मैडम सुनो तो, बात बंद करो। मैडम हिफाजत कौन करेगा? मुझे किसी पंडित या मौलवी की जरूरत नहीं है। बंद करो यहाँ से। पावर हाउस। आप चाहते हैं कि मैं चुप रहूं, लेकिन क्यों? आखिर ये पंडित है कौन जिसके टुच्चे मेरा रास्ता चलना मुश्किल कर रहे हैं? पापा चुप रहने का मतलब होगा इनको बढ़ावा देना। मैं अभी इनके खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। निशा हाय पापा। नमस्ते नमस्ते। ये अंकल वो सुपरमैन है, हमारे बस को उठाकर मुझे नीचे उतारा और रास्ते में मुझे मैकडॉनल्ड्स लेके गए। वहाँ इन लोगों ने मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट भी खिलाया। ये देखो ये बर्गर और चिप्स भी दिए। आओ अंकल दीदी के लिए चाय बनाना। बिट्टू दो मुझे। तुम दोनों की जुर्रत कैसे हुई इस घर में आने की? देखो जी आपकी गाड़ी हमने रिपेयर करवा दी और ये हो रही आपकी गाड़ी की चाबी। आपकी गाड़ी की पेंटिंग का सारा काम भी हो गया। देखो जी मैं यो कह रहा था कि वो आपका फ्लैट हो गया है। नमस्ते। अरे मेरी तरफ भी बोल देना। बिट्टू दोबारा इनकी दी हुई चीज को हाथ लगाया तो थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। अपनी भड़ास एक बच्ची पे निकालने का क्या मतलब? ये गुंडे हैं पापा, इनका नमक खाकर इनकी गुलामी करनी पड़ती है और मीठा खाकर दलाली। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। नहीं बेटी नहीं, तुम पुलिस के पास नहीं जाना। शायद तुम समझी नहीं, हमारा भला करके वो हमें बता गए हैं कि वक्त आने पर वो हमारा कितना बुरा कर सकते हैं। ले बेटा, अब संभाल ले। मैं बता चुका हूँ यार, मेरे पास अच्छा खेलना नहीं आता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम आप ही को तो ढूंढ रहे थे, पंडित ने बुलाया। हाथ छोड़ो मेरा। देखिए उस दिन घर से आपके बाप के सामने आपको उठाकर ले जाते तो बहुत बेइज्जती हो जाती है हमारी। इज्जतदारों की इज्जत करने में हमारी इज्जत है। आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं चिल्लाऊंगी, पुलिस को बुला दूंगी मैं। अरे मैडम पुलिस को क्यों बुलाते हो? आज आपका जन्मदिन है, पंडित आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता है। मैडम सुनो आराम से। बस खाली आंखें बांध रहा हूँ आपकी और कुछ नहीं कर रहा मैडम। बस गोविंदम नमः ओम कलशाधिपतये स्वाहा इंद्राय नमः स्वाहा ओम भूरग्ने स्वाहा ओम गणाधिपतये नमः स्वाहा ओम शांति 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 ओम। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्लीज लेट मी गो। प्लीज मुझे जाने दीजिए। अर्जुन दीक्षित, मैं अपना नाम तो खुद ही भूल गया था। आज बहुत दिनों बाद किसी के मुंह से सुना है। तो तुम ही पंडित? हाँ निशा, बचपन में प्यार से मुझे उपनाम नहीं मिला, पर पिछले 1 वर्ष में मेरा नया नामकरण जरूर हो गया है, पंडित। इस साल भर के दौरान मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर जब तुम्हें टीवी पर देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ जबरदस्ती उठाकर क्यों लाया गया है? तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए। मेरा तुम्हारे यहाँ आना उचित नहीं था, इसलिए मैंने सारी व्यवस्था यहीं कर ली है। चौनी, अतिथियों को बुलाओ। चलो। काटो। नहीं। गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। जोर से गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर निशा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू चला दिए। मर जाएगा ये। इन्हें धन्यवाद दो। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने जीवन दान दिया है तुम्हें। पंडित जी का तुम। हफीज, निशा को इनके घर छोड़ा। आइए। 1 मिनट। चलो रे चलो आओ। पंडित जी वही लड़की है ना? क्यों, कोई कष्ट है आपको? हम पर कोई कष्ट ना पड़े इसलिए पूछ रहा हूँ। एक तो आग में कूद कर चिता जलाने के पहले ही बुरी आदत पड़ गई है, एक और पुलिस है जिसने दीमक की तरह तुझे चारों ओर से घेर रखा है, और फिर भगवान की दया से तेरे दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। अगर ये अपनापन है तो मैं अपनों से पहले ही थक चुका हूँ। आप फल खाइए, पेड़ कटने का दुख मत कीजिए, केक को हाथ नहीं लगाना। देखो पंडित, ऐसे में दिन दहाड़े इस तरह लड़की को यहाँ लाना। लड़की के बारे में अब अपने मुंह से कुछ मत निकालना। मैं आपकी रोटी पर पलने वाला गुंडा नहीं हूँ जो आपके इशारे से बिल में दुबक कर बैठा रहूं। निशा मेरा जीवन है और यही मृत्यु। क्या हो गया है निशा? चेयर अपनाओ, तुम्हारा पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज सब डिसबैलेंस हो रहा है। कॉन्सेंट्रेट। इमरान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निशा, मैं तुम्हें आज से नहीं बरसों से जानता हूँ, डेफिनेटली कोई बात तुम मुझसे छुपा रही हो। इमरान, ये जो आए दिन न्यूज में क्रिमिनल पंडित का नाम सुनते हो, वो अर्जुन दीक्षित है। वही अर्जुन दीक्षित? गुजरा हुआ कल आज एक मुसीबत का पहाड़ बनकर मेरे सामने खड़ा है। नेवर माइंड, लेट्स ट्राई इट अगेन। हियर वी गो, या हियर वी गो। Down, please. निशा, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये किस ढंग के कपड़े पहने हुए तुमने? लज्जा नहीं आती तुम्हें? अरे कपड़ों के बारे में राय देने वाले तुम कौन हो? आज के बाद तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, लीव मी। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, लीव मी। छोड़ो मुझे। फैशन के नाम पर बेटी कांग प्रदर्शन करने की आज्ञा देने वाले बाप मत बनो। बेटी जवान होने से पहले ही दुनिया को दिख जाती है, उसे उछाल उछाल कर पूरे संसार में बताने की आवश्यकता नहीं, समझे? मगर तुम हो कौन? पंडित। तुम्हारे नाम से गुंडे डरते होंगे, पुलिस खौफ खाती होगी, पर मुझे अपने नाम का दहशत मत दिखाओ। तुम हो कौन जो जबरदस्ती मेरा लाइफस्टाइल बदलने चले आए? निशा, तुम्हें अपने जीने का रंग ढंग बदलना होगा। तुम सिर्फ मेरे कपड़े पहनने का ढंग बदल कर दिखाओ, जीना बनना तो बहुत दूर की बात है। मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूंगी, जो जी चाहेगा मैं वही पहनूंगी। मैं ये पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी, मैं ये भी पहनूंगी, मैं ये सब पहनूंगी। क्या कर लोगे तुम? आइंदा ढंग के कपड़े पहनना, समझी? निशा बेटी, पापा, मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी। हफीज, निशा के लिए कुछ ढंग के कपड़े लेकर आओ। निशा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपनी शादी का फैसला जल्दबाजी में ले रही हो? बिल्कुल नहीं, सिद्धार्थ को मैं बचपन से जानती हूँ। तुम सिद्धार्थ को बचपन तक जानती थी, पर आज की तारीख में ना तो तुम उसे अच्छी तरह से पहचानती हो, ना ही तुम्हारे दिल में उसकी कोई जगह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन दीक्षित से दूर जाने के लिए तुम ये शादी कर रही हो? स्टॉप योर लेक्चर इमरान, मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी। तुम्हें बुरा लग रहा है तो शादी में मत आना। क्या हुआ? निशा को ये कपड़े पसंद नहीं आए? ना ताला लग रहा है उसके घर पे, आसपास के लोगों ने बताया उसकी शादी होने वाली है। शादी? शादी? पता करो धरती के किस हिस्से में उसका मंडप बना है। ओम श्री चते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वी नक्षत्राणि रूपमसि नौ व्यातम कृष्णानिखा। तुमने ये सोचा भी कैसे कि किसी और के साथ फेरे लोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ऐसे काम के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इरादा होना चाहिए। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। निशा, रोको गाड़ी। तुम्हें मुझ पर इतना क्रोध क्यों है? इसलिए कि मैंने तुम्हारे कपड़े जला दिए थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। यहाँ चारों तरफ गोलियाँ चल रही हैं और तुम अपनी प्रेम कहानी सुना रहे हो। अब पंडित कन्या का हरण करेगा तो गोलियाँ नहीं चलेंगी तो क्या फूल बरसेंगे? घबराओ मत निशा, अगर तुम्हें मृत्यु आएगी तो उसे मैं अपने गले लगा लूंगा। रुक जा इंस्पेक्टर, अपने अपने शस्त्र नीचे फेंक दो वरना ये निर्दोष लड़की मारी जाएगी। तुम कानून से बहुत खिलवाड़ कर चुके हो पंडित, हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेवकूफी की बातें छोड़ो इंस्पेक्टर, अपने शस्त्र फेंक दो। आप गोली चलाइए इंस्पेक्टर साहब, ये चाहकर भी मुझे गोली नहीं मारेगा। यदि इस लड़की की बात का विश्वास है इंस्पेक्टर तो गोली चलाओ और साथ में उसका परिणाम भी देख लो। गोली चलाओ इंस्पेक्टर, मेरी बात मानो, गोली चलाओ। ये मुझे नहीं मारेगा, ये मुझे कभी नहीं मारेगा इंस्पेक्टर साहब। हफीज। इंस्पेक्टर, निशा को उसके घर पहुंचा देना। निशा, मैं चलता हूं। तुम्हें विवाह करने की जल्दी है तो मुझे भी विवाह की तैयारी में थोड़ा वक्त लगेगा। माफ करना इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता वापस कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रही थी। मैं चाहकर भी निशा पर गोली नहीं चला सकता। साहब, ये तो अपनी गाड़ी लेके भाग गया। मुझे गाड़ी की पड़ी है। अबे गाड़ी तो वापस आ जाएगी। ये पंडित हमारे हाथ से निकल गया। पंडित के साथ पुलिस वालों का एनकाउंटर होता है और पंडित उस एनकाउंटर में बच जाता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आता। ये साला पुलिस वाला जब झूठा एनकाउंटर करता है तो गुंडा मारा जाता है और सच्चा करता है तो बच जाता है। पंडित ने तुम्हारी शादी रोक के बड़ा नेक काम किया है निशा। इमरान, स्टॉप लाफिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी शादी नहीं होगी। एक से एक अच्छा लड़का मिलेगा दुनिया में। लेकिन यकीन मानो, जब तक पंडित की सांसें चल रही हैं तब तक वो तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने देगा। अगर ये बात है तो मैं उसे ये मौका ही नहीं दूंगी। इमरान, मैं इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। नाइस टू मीट यू लेडी भीष्म पितामह। देखो पंडित, तड़प तड़प के मरना है तो धारदार हथियार मार लो। थोड़ी तकलीफ के लिए गोली, और अगर इत्मीनान से ऊपर जाना है तो स्टैनार्ड का कैप्सूल काफी है। मतलब जैसे चाहो अपनी खुशी से खुदकुशी कर लो, लेकिन भैया अपने साथ साथ हमें आत्महत्या करने पे मजबूर मत करो। सीधी बात करो हल्दी भाई। हम लोग फांसी नहीं चढ़ना चाहते पंडित, ना पुलिस की गोलियों से मरना चाहते। तेरी उस लोंडे के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। पंडित, पंडित उसे छोड़ दो। पंडित उसे छोड़ दो। निशा और मेरे बीच में अगर कोई भी आएगा उसे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसकी हत्या कर दूंगा, फिर वो हल्दी भाई क्यों ना हो। आग में तेजाब डालता है। आज तेरी वजह से मुझे भी खरी खोटी सुननी पड़ी। चल, इस तरह मुझे मारने से आने वाला खतरा नहीं टल जाएगा हल्दी भाई। हमारे यहाँ लोंडियों की भरमारे जो पंडित की गर्मी संभाल लेंगी, वरना आज शिवा गया है तो कल हम भी जाएंगे। मेरी राय है इस लोंडे को खत्म कर दिया जाए। घर के दिए से कुनबे को फुकवाने का बंदोबस्त मत कर बेटे। उस लड़की की वजह से पंडित हमारे साथ है, इसलिए पंडित को अपना साथ रखना है तो उस लड़की को भी जिंदा रखना है। रही बात शिवा की, उसका तोड़ भी हल्दीराम के पास है। शिवा के अरेस्ट से हल्दीराम, पंडित वगैरह के बारे में हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये तब हो सकता है जब शिवा उनके खिलाफ स्टेटमेंट देगा। डोंट वरी सर, स्पेशल टास्क फोर्स के इंटरोगेशन में वो सब कुछ बक देगा। वैसे शिवा है कहाँ? इस वक्त मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उसके रिमांड एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही है। जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है शिवा, तुम्हारे ऊपर गोली तुम्हारे गैंग के लोगों ने चलाई है। उनके खिलाफ स्टेटमेंट दो शिवा। इन हरामजादों का कोई दीन अमान नहीं है। हल्दीराम पंडित दे ऑल और पास्ट। पंडित को गाली मत दो साहब। पंडित के बारे में कुछ नहीं जानते आप। वो तो खुद ऐसे जाल में फंसा हुआ है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं मालूम। पंडित की कहानी जानना चाहते हैं आप? वो हरिद्वार में रहता था और बड़े भक्ति भाव से भगवान की पूजा किया करता था। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको नाता, जो नर तुझको नाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। भैया से पंगा लेगा तू? टेंडर भरेगा तू? टेंडर भरेगा? साले अर्थी निकलेगी तेरी। भाई साहब, आप लोग क्यों मार रहे हैं इन्हें? आपको कोई तकलीफ है? चलो जाओ जाओ अपने घर जाओ। अगर संजय भैया को पता चल गया ना तो इसके साथ साथ आप भी पिस जाएंगे। अर्जुन बेटे बचा लो इन्हें। अर्जुन बेटे बचा लो मुझे, बचा लो बेटा, बचा लो अर्जुन बेटे। तू अगर ऑफिस में साले टेंडर भरने गया। आ गए भैया? हाँ अर्जुन आज देर कर दी। चाचा जी रास्ते में मुझे जनार्दन बिल्लू और शुक्ला मिल गए थे। संजय शर्मा के लोंडों के मुंह तो नहीं लगाना तू। तुझे पता है ना आती पूरन मासी को तेरी बहन का ब्याह पक्का होने वाला है। घर में दो दो रिश्ते आकर पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते का फैसला होने के पहले ही तू कोई दूसरा बखड़ा शुरू कर दे और हमें आत्महत्या करनी पड़े। क्या माँ तुम बिना बात के भैया के मीन में एक निकालती रहती हो। भैया आपने जो शिवा भैया के लिए चिट्ठी दी थी ना वो मैंने पोस्ट कर दी है। वो मेरे बचपन का इकलौता दोस्त है, उससे तेरी शादी के लिए मुंबई से आना ही पड़ेगा। अरे भाई आप लोगों ने तो न्योता भेजना भी शुरू कर दिया। पहले इस बात का फैसला तो कर लो कि शिल्पा इन दोनों में से शादी करेगी किससे। चाचा जी मेरे ख्याल से ये लड़का ठीक रहेगा। जरा मैं भी तो देखूं कौन सा लड़का चुना है तूने शिल्पा के लिए। अरे ये कोई लड़का है? मैंने तो सुना है ये शराबी है, कबाबी है, अय्याश है। हाँ, ये लड़का बहुत अच्छा रहेगा। कहाँ अच्छा लगेगा? इसके नैनक्स तो देखो, कद भी कहाँ इसका ठीक है। कैसी लगेगी ये जोड़ी? जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अब मुझे क्या तेरी राय से शिल्पा की शादी पक्की करनी है? सुनो जी मेरी शिल्पा की शादी इसी लड़के के साथ होगी। तो ठीक है कल मैं जाकर रिश्ता पक्का कराता हूँ। एक मिनट वहीं रुकिए। ओके दैट्स फाइन थैंक यू। अब आप थोड़ा इधर हो जाइए। मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज थोड़ा इधर हो जाइए ना। आइए 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 प्लीज घबराइए मत। हाँ 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 अरे बस बस बस। अब आप हाथ हिलाइए ऐसे। अब स्माइल कीजिए, स्माइल के साथ हाथ हिलाइए। ओके दैट्स गुड थैंक यू। हाय आई एम निशा, मुंबई से आई हूँ। नमस्ते। आपका नाम? अर्जुन दीक्षित। नाइस नेम। बाय द वे सुनिए मिस्टर दीक्षित 1 मिनट मुझे यूनिवर्सिटी तक जाना है। यहाँ से कितना दूर है? 3 किलोमीटर। मुझे यहाँ से कोई बस टैक्सी या ऑटो रिक्शा मिल सकता है? टैक्सी ऑटो रिक्शा तो नहीं मिल सकते क्योंकि ये जगह शहर से थोड़ी दूर है। हाँ हर 2 घंटे बाद यहाँ से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस जाती है। 2 घंटे के बाद? वैसे आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। ओह वंडरफुल, फिर तो आप मुझे वहाँ तक जरूर लिफ्ट दे सकते हैं। हाँ? नहीं मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता, आप बस से ही जाइए। देखिए मुझे बहुत देर हो रही है तो ऐसा करते ना साथ में ही चलते। इसमें क्या बात हुई? हाँ? अब चलिए। देखिए मैं आपको यूनिवर्सिटी तक छोड़ दूंगा। पीछे। ओह व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। यू नो आज आपने मुझे लिफ्ट देकर एक बहुत बड़ी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। प्लीज हाथ हटा लीजिए। ओह सॉरी आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। एनीवेज 11 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है प्रिंसिपल साहब के साथ। अब पहले दिन ही लेट हो जाती तो क्या सोचते वो मेरे बारे में, इंप्रेशन ही गलत पड़ जाता। आजकल कहाँ रहता है यार, नजर नहीं आता तू। अरे ये अपने योगीराज तो पूरा भोगीराज बन गया यार। अपने से तो यही अच्छा खींचते हैं अभी। आइए मैं आपको प्रिंसिपल के ऑफिस ले चलता हूं पढ़ाने। अगर ये स्टूडेंट है तो हम भी इनके साथ क्लास फेलो बनेंगे। जरूर बनेंगे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? बदतमीज। नहीं निशा जी आप इनके मुंह मत लगिए, आप मेरे साथ चलिए प्लीज। कौन है ये लड़के? संजय शर्मा के लड़के हैं। संजय शर्मा? यहाँ की MLA रोहिणी देवी का इकलौता बेटा है। बदचलन, आवारा, गुंडा है। यहाँ की पुलिस भी इससे भय खाती है। मेरा बस चले तो। निशा जी आप ठीक है ना? कमाल करते हैं, बैम्बू सब आप पे गिर गए। ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए, आप ठीक है ना? अरे दीक्षित जी क्या हुआ भाई, किसी को चोट तो नहीं लगी? प्रिंसिपल साहब यहाँ सब कुशल हैं, चिंता की कोई बात नहीं। ओह ये आपसे मिलने आई हैं। आप? मैं निशा हूँ, मुंबई से आई हूँ। मैंने आपको फैक्स भेजा था कि मैं योग पे रिसर्च करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा भाई, वो फैक्स तो मुझे मिल गया था। ये हमारे यूनिवर्सिटी के योग के आचार्य प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित। हाँ? और हाँ, आपके रिसर्च में यही आपकी मदद करेंगे। ओह ग्रेट, तो मेरा प्रोजेक्ट अभी से शुरू कर दें? जी नहीं, क्लास का समय हो गया है, विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। मैं चलता हूँ। सर तो शाम को मिले? संध्या के समय मुझे गंगा जी की आरती के लिए जाना होता है। ओह। सुबह मिलते हैं। ओके। आइए निशा जी, ऑफिस। हाँ। मैंने आपके रहने की व्यवस्था सर्किट हाउस में कर दी है। आपके रिसर्च वर्क में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अर्जुन दीक्षित जी बहुत ही गुणी आदमी है। यस सर, यस सर। अरे होना क्या था, गंगा जी में बाढ़ आ गई और अर्जुन के माँ बाप ने जल समाधि ले ली। तब से पेट काट काट कर पाल रही हूँ उसे। क्या माँ, अर्जुन भैया होश संभालते ही तो अपने पाँव पर खड़े हो गए थे। सारी तनख्वाह लाकर तुम्हारे हाथ में दे देते हैं, वरना इतनी महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो जाए। निशा जी, हाय, आप यहाँ आई कैसे? रिक्शे से। चाची, ये निशा है। पता है, मेरा मतलब है कि मुझे नहीं मालूम था कि वो यहाँ आने वाली है। भैया मैं चली जाऊंगी तो उसके बाद कोई ना कोई तो आएगी ना। चुप, मजाक मत कर। कहिए निशा जी, कैसे आना हुआ? आपने कहा था कल मिलेंगे, लेकिन कल कहाँ मिलेंगे ये नहीं बताया। लाइब्रेरी में। आपके घर में खाना बहुत अच्छा बनता है। धन्यवाद। अरे मैं आपसे थोड़ी चाची से कह रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे बेटे रुको, अर्जुन इतनी रात गए जाएगी कैसे? तुम जाओ बेटे, छोड़ाओ इसे। अब एक मिनट रुकिए, मैं जरा साइकिल निकाल लूं। सुनिए, जरा कैरियर साफ कर दीजिएगा। आप मेरी शादी पे जरूर आइए। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी शादी पे जरूर आऊंगी। देखिए भूलेंगी तो नहीं। अरे ये भी क्या भूलने की बात है। मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं शादी से 2 दिन पहले ही आ जाऊंगी। ओके बाय बाय। चलिए। हाँ। अरे निशा जी वो क्या? अरे मेरे एक बार साइकिल पर बैठने से आपके कैरियर का ब्रह्मचर्य टूट गया क्या? नहीं नहीं, वो क्या है कि मेरा कैरियर खराब हो गया था, मैंने बनने दे दिया है। अगर आप चाहे तो मैं आपको पैदल छोड़ाऊं। नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो। वाओ, बिग लाइब्रेरी। हमारी इस लाइब्रेरी में संसार की अनमोल कृतियाँ मौजूद हैं। हमारे सभी शास्त्र, पुराण और धर्म ग्रंथ मिलेंगे। उनका जितना अध्ययन करोगी, जितना मनन और चिंतन करोगी, उतना ही आपके ज्ञान का विकास होगा। काम सूत्र के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? जी, काम सूत्र के बारे में आपको तो लज्जा नहीं चाहिए। लड़की होकर आप काम वासना पर विचार विमर्श करना चाहती है। मैं काम वासना की नहीं, काम सूत्र की बात कर रही हूँ सर। अब इस किताब को देखिए। हाँ? ये योग है या भोग है? ये योग है, भोग नहीं। कमाल है, ये योग कैसे हो सकता है? जिसकी आप बात कर रही हैं, उसमें शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्त्री और पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये वासना है, भोग है। और जब नए जीवन को पृथ्वी पर लाने के लिए, या यूँ कह लीजिए संतान को प्राप्त करने के लिए जो संबंध बनते हैं, उसका एक उद्देश्य होता है, इसलिए वो योग हो जाता है। जैसा कि शास्त्र में लिखा है, ऋषि विश्वामित्र की तपस्या से इंद्र की गद्दी हिलने लगी थी। गद्दी नहीं, सिंहासन। कम ऑन, गद्दी, चेयर, सिंहासन, इट्स वन एंड द सेम थिंग। उस समय इंद्र ने मेनका जैसी अबला का सहारा लिया। बिल्कुल। तो फिर ऋषि विश्वामित्र और मेनका के बीच जो संबंध थे, वो योग कैसे हो सकते हैं? वो तो भोग है। नहीं निशा जी, वो योग है, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र को पता था कि मेनका से एक बेटी पैदा होगी, शकुंतला, और जिससे आगे जाके एक बेटा जन्म लेगा, भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम रखा जाएगा, भारत। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी सर, कि मेनका ने अपनी खूबसूरती के बल पर विश्वामित्र जैसे ऋषि को अपने वश में कर लिया था। स्त्री सिर्फ अपने प्रेम के बल पर किसी भी पुरुष को अपने वश में कर सकती। और प्रेम का अर्थ ये नहीं जो आजकल के लोग समझते हैं। तो फिर प्रेम का क्या अर्थ है सर? प्रेम का अर्थ है तो आत्माओं का मिलन। माँ साहब, इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर प्रेम यूनिवर्सिटी कर दें क्या? अगर आप कहें तो इस शहर का नाम बदलवा कर प्रेम नगरिया रखवा दें। चलो निशा। अरे जाइए माँ साहब जाइए, इस कन्या को प्रेम रहस्य तो आप संजय भैया ही समझाएंगे। बहुत जल्द आने वाले हैं वो। एक बात बताइए सर, आप इन लोगों से इतना डरते क्यों हैं? मैं डरता नहीं हूँ, सिर्फ इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। चले? चलिए। बहुत बहुत मुबारक हो दीक्षित जी, बिटिया का ब्याह तय हो गया। जी हाँ, रोहिणी जी घर पे नहीं है क्या? होम मिनिस्टर का दौरा होने वाला है ना, उसी के सिलसिले में जरा डीएम के ऑफिस तक गई हैं। अरे वीर सिंह सुखिया, जरा जोर के हाथ मार के चमकाओ गाड़ी। संजय बाबू की गाड़ी एकदम साफ सुथरी दिखनी चाहिए। अगर गाड़ी चमकती हुई नजर ना आई तो 4 गालियां मुझे भी सुननी पड़ेंगी और 10 जूते तुम्हें भी खाने पड़ेंगे। मैडम दीक्षित जी आए। अरे दीक्षित जी नमस्कार। नमस्कार। कहिए कैसे आना हुआ? बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। बहुत बहुत बधाई हो। सुना है बेटी का ब्याह हो रहा है? जी हाँ, सोचा है घर के 2-4 लोगों के बीच ही कन्यादान कर दूंगा। अच्छा चलो, प्रणाम। चाचा जी ने कहा है विवाह में जरूर आइएगा। अच्छा जी नमस्ते। जय गंगा मैया। चलिए हो गया गंगा स्नान। ये तो कौवा स्नान हुआ, गंगा स्नान ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? आप आइए गंगा जल में। नहीं नहीं मैं फिसल जाऊंगी। अरे आइए 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 आइए। पानी बहुत ठंडा है। हाँ वो तो है। बस 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 थैंक यू। पहली डुबकी आपके इष्ट देवता के नाम पर। अच्छा जी। दूसरी डुबकी आपके पूर्वजों के नाम पर। तीसरी डुबकी आपके माता पिता और भाई बहन के नाम पर। चौथी डुबकी। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ निशा जी? बस अपनी बहन की याद आ गई। क्यों आप एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं? जी हाँ, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहती है। खैर चलिए ना, अब चलते हैं, बहुत ठंडी लग रही है। निशा जी। हाँ जी। चलिए अब आपको गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको एक बात बताऊं, इन कपड़ों में आप बहुत सेक्सी लग रहे हैं। जी, जी। चलिए थोड़ा सा भोजन और पूजन कर लें। हाँ। ये कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ जल शुद्ध, वायु शुद्ध। वहाँ मुंबई में तो मुझे सिर्फ ताज़ी हवा खाने के लिए हर रोज शाम को घर से 5 किलोमीटर दूर जूहू बीच में जाना पड़ता है। और सर मैंने सुना है इन पहाड़ों के पार भी बहुत बड़े बड़े सिद्ध मंदिर हैं। है तो? आप मुझे कब ले जा रहे हैं? जब आप कहें। कल सुबह? उप्स। अब कहाँ चलना है? अब हा? नदी के उस पार। मैं जरा जूते उतार लूँ, नदी को पार जो करना पड़ेगा। चलिए। हाँ ये तो बर्फ जैसा पानी है। तुम शहर के लोगों को खामखा चिंता हो जाती है। अरे ओ, कोई और रास्ता नहीं है क्या? रुको। चले? हाँ चलो। आहिस्ता आहिस्ता। अरे क्या हुआ? मेरा जूता गया। हाँ? हो हो हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? जाने दीजिए। संभल के जाने दीजिए। नहीं। आपका जूता। थैंक यू वेरी मच। तराने मिले हमको, दीवानगी के बहाने मिले। जरा मेरे पास एक नशा सा निगाहों पे छाने लगा, कर कर जो तराने मिले हमको दीवानगी के बहाने मिले। जरा मेरे पास आ, जरा मुझे ये बता, जरा सच होश था जरा भी न क्यों रहा। तुम्ही से है, तुम्ही से है, एक नया मोड़ अपनी कहानी में है, एक नया हुस्न अब जिंदगानी में है। धड़कनों को नए जो तराने मिले, हमको दीवानगी के बहाने मिले। जरा मेरे पास ना, जरा मुझे ये बता, जरा सा जो होश था जरा भी क्यों रहा। अब सोच में, अब ध्यान में, हर बात में तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। अब सुलह में, अब शाम में, दिन रात में तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। तुमको पाया तो क्या हो गई जिंदगी, एक हसीन ख्वाब में खो गई जिंदगी। जरा मेरे पास आ, जरा मुझे ये बता, जरा सच होश था जरा भी न क्यों रहा। संजय भैया, क्या हाल है तुम लोगों का? साहब ठीक है। जुनेजा जी, मंत्री जी के रहने का इंतजाम सर्किट हाउस में कर दिया। अच्छा। ए माँ, कैसी हो तुम? संजय, जब एक बार मैंने तुझे दिल्ली भेज दिया तो किससे पूछकर यहाँ वापस लौट आया? ओ कम ऑन माँ, अपने बेटे का स्वागत क्या इस तरह किया जाता है? हा? बेटा लायक हो तो उसके आने पर माँ उसकी आरती उतारती है, पर तेरे कारनामों की वजह से कोई भी भला आदमी मुझसे बात करने से भी डरता है। अरे माँ, ये ऑपोजिशन वाले तुम्हारी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, और उनके बहकावे में आकर तुम भी मुझे गुनहगार समझती? गुनहगार समझती नहीं हूँ, तुम गुनहगार हो। शास्त्री जी के बेटे पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, क्या उसमें तुम्हारा हाथ नहीं था? शर्मा कांड, संगीता चोपड़ा रेप केस। इनफ मां, किसी भी केस का प्रूफ नहीं मिला है, कानून ने मुझे बाइज्जत रिहा कर दिया है। गवाहों को फोड़कर अगर तुम बाइज्जत रिहा हो गए तो इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है। तुम्हारे कारनामों की वजह से मुझे भले घर के लोगों ने अपने घर के शादी ब्याह में निमंत्रण देना भी बंद कर दिया है। किसने तुम्हें न्योता नहीं दिया माँ? दीक्षित जी के साथ कितने पुराने और गहरे संबंध हैं हमारे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में मुझे बुलाया तक नहीं। कितने अफसोस की बात है मेरे लिए और कितने शर्म की बात है तुम्हारे लिए। कुछ खाने के लिए लाऊं? हाँ? चाची मैं अभी आई। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी लड़की है ये। इधर शिल्पा को विदा कर दो और उधर अर्जुन का ब्याह रचा दो। अरे ऐसे कैसे कर दे हम शादी? अच्छी लड़की है तो क्या हुआ, पहले ये तो पता चले दहेज में क्या लाएगी। हाँ अर्जुन, सारे मेहमान तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोग शिल्पा के जेवर देखने आएंगे ना। हाँ मैं सजा रहा हूँ। आज शिल्पा की शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी ना। हाँ घर वालों को तो यही विचार है। अपनी शादी पे मुझे जरूर बुलाना, मैं दुल्हन को अपने हाथों से सजाऊंगी। क्या कहा तुमने? बहुत खूबसूरत लगेगी तुम्हारी दुल्हन। निशा, आज तो तुमने ये बात कह दी, मगर दोबारा भविष्य में भी ऐसी बात सपने में मत सोचना। क्यों? तुम सारी जिंदगी कुंवारे रहोगे क्या? मैं सात फेरे सिर्फ तुम्हारे साथ लूंगा। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें मेरी पत्नी बनने से नहीं रोक सकती। मैं मृत्यु को गले लगा लूंगा, पर तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए असंभव है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस हो गए। मजाक में किसी की जान नहीं ली जाती निशा। अर्जुन, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह है ये तो मैं ही जानती हूँ। आप लोगों का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो अर्जुन जी जाके बरातियों को खाना खिला दीजिए। जी। और सुन, तेरे पिताजी ने दहेज में क्या क्या बनाया? ये तो चांदी है, सोना नहीं बनाया। महाराज रोटियां कहाँ हैं? खोला, जरा रोटियां लाना भाई। अर्जुन! हे शिवा! सॉरी यार, आने में देरी हो गई। वो क्या है कि दिल्ली फ्लाइट लेट पहुंची ना। बड़ा आदमी बन गया है, हवाई जहाज से चलता है। मैं तेरी तरक्की से बहुत खुश हूँ। आराम से, शिल्पा बहन का तोहफा गिरा दिया ना। शिवा, ये रिवॉल्वर छोड़ना यार, चल। शिवा, तू मुंबई में कोई उल्टे सीधे काम तो नहीं करता? ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है अर्जुन जितनी तुम समझ रहे हो, और बाकी अपने अपने जीने के तरीके हैं बस। इसका मतलब है तुम्हारा तरीका गलत है। क्या सही है और क्या गलत है ये वक्त नहीं है बहस करने का। माँ साहब बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो माँ साहब। भाई माँ शिकायत कर रही थी कि आप लोगों ने हमें शादी का कार्ड तक नहीं भेजा। क्यों, हमसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं संजय बाबू, कार्ड तो भेजा था। आपका मतलब है मेरी माँ झूठ बोल रही है? हाँ? शादी के दिन टोली की जगह अर्थियों को कहा देना। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। शिवा हाथ जोड़ता, शिवा आज कुछ नहीं करेगा तो। तुम लोग इससे डरते क्यों हो इतना, समझ में नहीं आता मुझे। ये बड़े घरों के हरामी लौंडे हैं, किसी दिन लपेट दिया ना किसी ने तो साथ पूछते इसकी भजन गाती पैदा होंगे, बता रहा हूँ। अर्जुन, अर्जुन कौन है वो? संजय शर्मा। शिल्पा, शादी होते ही मुझे भूल तो नहीं जाओगी? Yes? आपने खुशी के मौके पर आकर काफी टेंशन पैदा कर दी। अब आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप हैं कौन? I am नीशा। ओह, तो आप हैं नीशा जी। भाई बिल्लू ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अब आप ओके, लेकिन हम लोग फिर मिलेंगे। डेफिनेटली। चलो बे। नीशा, क्यों तुम उस गुंडे के मुंह लग रही थी? Forget it. चला गया ना? आप लोग बैठ जाइए प्लीज। अच्छा लग रहा है ना हमारे ऋषिकेश। Wow, what a beautiful house. Beautiful architecture. Wow. Pranam. Lovely. Nisha ji, welcome to my house. Oh, तो ये शानदार घर आपका है मिस्टर संजय शर्मा? जी हाँ मैडम। आप जैसे कॉकरोच को तो किसी गंदी नाली में पैदा होना चाहिए था, कहाँ ऐसे आलीशान मकान में पैदा हो गए। कॉकरोच की मिसाल अच्छी दी आपने। जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो सिर्फ कॉकरोच ही जिंदा रहेंगे और नाजायज बच्चे पैदा करते रहेंगे। Stupid. अरे आप खड़ी क्यों है, बैठिए ना, मैं नीचे आता हूँ। निशा, यहाँ क्या कर रही हो? चलो। मैं वो, अरे मगर सुनो बेवकूफ लड़की, जानती हो संजय शर्मा का घर है? अब मुझे क्या पता कि ये उसी का घर है। हाँ, मिला भी तो संजय शर्मा का घर मिला। चलो। माँ साहब एक मिनट, आप इनकी साइकिल ले जाइए, मैं इनको अपनी गाड़ी में छोड़ दूंगा। चलिए मैडम, चलिए। अरे चलिए ना, मेरा हाथ छोड़िए। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। चलिए संजय बाबू, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ना इनका हाथ। अच्छा, अबे ओ बिल्लू, अगर हमने इस कन्या का हाथ नहीं छोड़ा तो माँ साहब को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो हमें धक्का दे देंगे। संजय भैया, मंत्री जी आ गए। देखिए देखिए मंत्री जी, ये संजय शर्मा मुझे जबरदस्ती अपने साथ उठा के ले जाना चाहता है। क्या बात कर रही हैं आप? संजय बाबू तो बहुत ही शरीफ इज्जतदार। प्लीज बी, उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा, उसे कुछ कहिए सर। तुम चिंता मत करो। कौन है वो लड़का? मंत्री जी, वो मेरा बेटा है। संजय, ये क्या तमाशा बना रखा है? अरे माँ, ये लड़की खुद चलकर यहाँ आई है। इसे मालूम था कि आज हमारे यहाँ होम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। मुझे तो लगता है माँ, ये ऑपोजिशन वालों की चाल है आपको बदनाम करने के लिए, जिसमें खामखा ये लड़की मुझे भी इन्वॉल्व कर रही है। ये झूठ बोल रहा है सर। आप चाहे तो प्रोफेसर दीक्षित से पूछ लीजिए क्या कर रहा था और उनको भी इसने किस तरह मैनहैंडल किया। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। माँ साहब, यहाँ आइए जरा। नमस्ते। नमस्ते। हाँ माँ साहब, सच बताइएगा, क्या मैंने इस लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती की है या आपके साथ कोई हाथापाई की है? बोलिए। अरे बोलिए ना माँ साहब। जी नहीं। देख लिया माँ, मैं कह रहा था ना ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे ये सब पॉलिटिकल गेम्स हैं। चलिए अंदर चलिए। आइए मंत्री, आइए। निशा, 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 निशा। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो? निशा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, मगर मेरी भी कोई मजबूरी थी और आज मैं वो बात। ना तुम बात करने लायक हो, ना मुलाकात करने। निशा, निशा, बाहर निकलो यहाँ से। ऐसे गिराओ। ये क्या कर रही हो निशा? मेरा नाम जपने से तुम बहादुर नहीं बन जाओगे अर्जुन दीक्षित। तुम्हारी मर्दानगी सिर्फ नदी में कूदने के लिए है, इज्जत बचाने के लिए नहीं। थू है तुम पर। निशा, वो दो कौड़ी का गुंडा मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था और तुम उन बुजदिलों की तरह खामोश खड़े थे जो दूसरों की मर्दानगी के पीछे अपनी नामर्दगी का मजा लेते हैं। निशा, तुम जैसे कार को अपनाने से तो अच्छा होगा मैं उस गुंडे की रखेल बन जाऊँ। अगली बार ये हाथ किसी मर्द पर उठाना। इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा ये स्वीकार करने आया कि उसने निशा के साथ ना तो सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसे अगवा करने का प्रयत्न भी किया। संजय बाबू, ये आपके साथ मारपीट करके कहीं जबरदस्ती तो कबूल नहीं करवा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आप लोग अब भी इसे बचाना चाहते हैं जो इस शहर की इज्जत को जब चाहे तब रौंदता है। आप मेरी रिपोर्ट लिखिए। मैडम क्या है वो? आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो मैं मंत्री जी के पास जाऊंगी। माफ करना संजय बाबू, ये हमारी नौकरी का सवाल है। आइए। अबे थानेदार, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे बंद करेगा तू? साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सब संभाल लूंगा। बलन सिंह सेल साफ कर दो। छोड़ मुझे। अबे छोड़। क्या देख रहे हो अर्जुन? शास्त्र उठाने वाले हाथ आज शस्त्र बन गए। ये नेक काम तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। अन्याय के खिलाफ हाथ उठाना न्याय है। हाँ तुम ठीक कह रही हो निशा, पर इस युद्ध का अंत क्या होगा? युद्ध का सिर्फ आरंभ होता है अर्जुन, जो हो चुका है। हार होगी या जीत ये कोई नहीं जानता। अब तुम्हारा कर्म और धर्म सिर्फ इस युद्ध को लड़ना है। निशा, इस युद्ध में तुम मेरे साथ हो ना? मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन, जिंदगी भर। माँ, वो सरामजादे की वजह से मुझे एक रात हवालात में गुजारनी पड़ी। माँ, प्रोफेसर दीक्षित को यूनिवर्सिटी से निकाल दो, नौकरी छीन लो उस साले की। बकवास बंद करो। प्रोफेसर दीक्षित ने अगर तुम्हारा भाड़ा फोड़ दिया तो उसकी सजा तुम भुगतो। लेकिन मेरी बात तो सुनो माँ। संजय, एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, अगर भविष्य में तुम्हारी कोई शिकायत मेरे पास आई तो मैं तुम्हें कानूनी तौर पर इस परिवार से बेदखल कर दूंगी। जनार्दन, बिल्लू, शुक्ला, अपने आदमियों से कहो कि हथियार गाड़ी में डालें। चल, गाड़ी चला बे। चल, गाड़ी चला बे। That was great fun. मजा आया ना? हाँ? अरे यहाँ बोट रोकिए ना, थोड़ी देर के लिए बोट रोकिए प्लीज, 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 प्लीज। हाथ दो ना। ये क्या हो रहा है अर्जुन? ये वो आध्यात्मिक यज्ञ है निशा, जिसमें सन्यासी जब तक यज्ञ ना समाप्त हो जाए ना अपना स्थान छोड़ सकते हैं ना अपना ध्यान तोड़ सकते हैं। मैं अभी उनका ध्यान तोड़कर दिखाती हूँ। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ कैसे हैं आप? हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? निशा यूं ही फिसल गए। निशा मेनका बनने की कोशिश मत करो, इनका ध्यान नहीं टूटेगा चाहे मृत्यु आ जाए या प्रलय। इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा मुझसे माफी मांगने आया था, पर अर्जुन दीक्षित ने उस पर तलवार से वार किया और उसे मार डाला। अरेस्ट हिम। पर मैं सोचता हूँ एक बार अर्जुन से मिल तो लें। कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की। अगर तुमने अर्जुन से जरा भी हमदर्दी दिखाई ना तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कानून उसे नहीं छोड़ेगा और गुंडे हमें नहीं। लेकिन फिर भी एक बार अर्जुन से। अर्जुन का नाम एक बार भी लिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जाओ, जाके तांगा या रिक्शा लेकर आओ। कमाल है, मुलजिम अर्जुन ने ना ही कोई जमानत की अर्जी दी है और ना ही अभी तक कोई उसकी जमानत लेने आया है। यहाँ साइन करना है? हाँ, यहीं पर। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है अदालत में गवाही देने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। क्या मैं अर्जुन दीक्षित से मिल सकती हूँ? जी हाँ, आइए। माँ साहब आपसे मिलने के लिए कई मर्तबा मुझसे कह चुके हैं और मैं ये सोचकर नहीं बोला कि शायद आप उनसे मिलना ना चाहती हूँ। मैं अर्जुन दीक्षित से मिलना चाहती हूँ। माँ साहब आपसे मिलने निशा जी आई है। निशा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित। मेरा पूरा नाम है निशा चोपड़ा। मैं संगीता चोपड़ा की बहन हूँ। संगीता चोपड़ा याद है या भूल गए? संगीता चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? संगीता, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी थाने जाता हूँ। अभी जाता हूँ। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, संगीता चोपड़ा मेरी छात्रा है। संजय शर्मा ने उसके साथ बलात्कार किया मेरी आंखों के सामने। आप रिपोर्ट लिखिए ना। हाँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप एक मिनट बैठिए। हेलो, मैं इंस्पेक्टर मिश्रा बोल रहा हूँ। मामला बहुत सीरियस है। हाँ, मैं संगीता चोपड़ा के रेप केस की ही बात कर रहा हूँ। उसके आई विटनेस मेरे सामने बैठे हैं, प्रोफेसर दीक्षित जी। जी बहुत अच्छा। प्रोफेसर दीक्षित, मैं आपकी रिपोर्ट भी लिखूँगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी करूँगा, लेकिन पहले आप अपने घर जाइए। चाची, क्या हुआ? चाची, आपके यहाँ चाय तो बहुत बढ़िया बनती है। संजय बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही थानेदार साहब ने मुझे सूचना दी कि आप रिपोर्ट लिखवाने थाने गए हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर आप अपना एक कर्तव्य पूरा करते तो यहाँ घर पर आपका दूसरा धर्म अधूरा रह जाता। क्या मतलब? ये लीजिए चाकू और इससे सबसे पहले अपनी बहन शिल्पा को काट डालिए। संजय बाबू, क्या है मां साहब, जब आप रिपोर्ट लिखवाएंगे तो यकीनन पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, पर एक दो दिन में मेरी जमानत हो ही जाएगी। उसके बाद आपकी जवान बहन के साथ जो कुछ हो गया उसे देखकर आपको अफसोस होगा कि मैंने अपनी बहन को पहले ही क्यों नहीं मारा। अरे मां साहब इतना सोचिए मत, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए और मैं दोबारा समझाने नहीं आऊंगा। अच्छा चाची चलता हूं, प्रणाम। अरे थानेदार साहब, भला मैं इसका बलात्कार क्यों करूंगा? ये झूठ बोल, बलात्कार करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये साली तो खुद मेरे आगे पीछे घूमती है। मेरे साथ जबरदस्ती की है। जवानी का एहसास भी मैंने ही कराया। आइए दीवान दीवान जी, आइए बैठिए। मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। संगीता मेरी जान, इतने पुराने ताल्लुकात को इस तरह बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, समझी? इंस्पेक्टर साहब आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। धीरज रखिए, आजकल वैसे भी औरतों के लिए कानून बहुत मजबूत हो गया है। मैं दीवान जी को अरेस्ट करके अभी हवालात के पीछे धकेल दूंगा। बस प्रोफेसर दीक्षित आकर गवाही दे दे। प्रोफेसर साहब आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, किस तरह संजय शर्मा ने मुझे जानवरों की तरह नोच डाला था। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब को कि मेरे साथ क्या हुआ था। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोफेसर दीक्षित आप बताइए कि आपने क्या देखा था। हाँ मां साहब, आपको भगवान की सौगंध है, भाई बता दीजिए कि आपने क्या देखा था। मैंने कुछ नहीं देखा। प्रोफेसर साहब, आप तो तब थे ना वहाँ पर, बताइए ना। प्रोफेसर साहब क्या हुआ था? 56 है, 56। पिछले 2-3 महीनों से मेरे पीछे पड़ी है कि खर्चा पानी बढ़ा दो। मैंने इसे समझाया महंगाई है, बात माहौल मचा दिया। चल जा, बढ़ा दूंगा तेरे पैसे। अरे संजय शर्मा में क्या फूल डाले थे? कांटे तो हमारे बिस्तर पे भी नहीं है। संगीता पैसे तो हम भी दे देंगे। दीदी आज पूरी दुनिया मुझे चरित्रहीन समझती है। प्रोफेसर दीक्षित यदि चाहते तो मुझे न्याय मिल सकता था, लेकिन चुप रहकर उन्होंने जो मेरे साथ अन्याय किया है उसके लिए मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी, और ना ही कभी तुम उन्हें क्षमा करना। दीक्षित को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना। संजय शर्मा के मर्डर केस में निशा चोपड़ा की गवाही से साबित होता है कि खून अर्जुन दीक्षित ने किया है, इसलिए यह अदालत दफा 302 ताजीराते हिंद के तहत मुजरिम अर्जुन दीक्षित को उम्र कैद की सजा देती है। निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गवाही देने के लिए यहाँ रुकी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये मेरा फर्ज था। निशा, निशा, अर्जुन, रुक जा, मेरी बात सुनो निशा, मेरी बात सुनो। मैं भूल स्वीकार करता हूँ निशा, तो मैं संगीता को न्याय नहीं दिला पाया। इसके पीछे मेरी कोई योजना नहीं थी निशा, मेरे परिवार में जंगी तलवार टांग दी थी संजय शर्मा ने। यदि मैं मुंह खोलता तो मेरी बहन की कोई अपनी गली पड़ती। मेरी बात सुनो निशा, मुझ पर विश्वास करो निशा। निशा तुम मेरी बात सुनो निशा। मुझे जाने दो, जाने दो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे माफ कर दो निशा। प्रिया अर्जुन, तुमसे मिलने एमएलए आई हैं। ले जल्दी कर। अरे कोर्ट का टाइम हो गया है। कैदी को बिठाओ कोर्ट। हां लेके जा रहे हैं कोर्ट में इनको। ये पेपर प्रोसेस करवा दीजिए। मैं चाहती हूँ ये काम आज ही हो जाए। जी अच्छा। नमस्ते रोहिणी जी। अर्जुन, पिछले 1.5 साल से मैंने सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे पक्ष में अपील दायर की थी। उसका फैसला आ गया है। तुम जेल से रिहा हो। आपने मेरी अपील दायर की थी, जबकि आप जानती हैं कि मैंने आपके बेटे की हत्या की। मेरे बेटे ने तो आत्महत्या उसी दिन कर ली थी जिस दिन वो पाप के रास्ते पर चल पड़ा था। तुमने तो सिर्फ उसे शमशान तक पहुंचाया है। मैं तुम्हारे और संजय के बारे में सारी सच्चाई जानती हूं, इसलिए जो मेरी आत्मा ने कहा मैंने वही किया। अर्जुन, तुम्हारे घरवाले ये शहर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई रोजगार दिलवा सकती हूँ। नौकरी तो मैं नहीं करूँगा और ना ही शहर में रहूँगा। फिर कहाँ जाओगे? मुंबई। पर कमाल है यार, रोहिणी देवी ने तुम्हें जेल से छुड़वाया। वो उनका बड़प्पन है। पर उस लड़की ने तेरे साथ बड़ी हरामजादगी की। शिवा, मैं निशा के विरोध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। चल ठीक है यार, माफ कर दे, गलती हो गई बस। शिवा, हल्दी भाई आइए। ये कौन है? ये ऋषिकेश में योगा का आचार्य है, बड़ा ज्ञानी पंडित है। अच्छा। और अर्जुन, ये हल्दी भाई हैं। यूँ समझो कि मुंबई में इनका कोई मंदिर नहीं है, लेकिन पूजा सभी करते हैं इनकी। नमस्ते। क्या भाई, हीरो बनने आया यहाँ पर? नहीं, मैं किसी लड़की को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, उसका एड्रेस दे दे। कल तक लड़की तेरे कदमों में होगी। उसका अता पता नहीं मालूम मुझे। अरे बिना पता के उस शहर में सिर्फ कीड़ा मकोड़ा मिलते हैं, आदमी नहीं। 7 जन्मों में तेरे को नहीं मिलेगी वो। मैंने आपसे सहायता नहीं मांगी थी कि एकदम से आप मेरे भाग्य विधाता बन गए और भविष्यवाणी कर दी कि मुझे वो लड़की कभी नहीं मिलेगी। मैं निशा को ढूंढ निकालूंगा, समझे? इसकी बदतमीजियों को माफ कर देना हल्दी भाई, लगता है लड़की के प्यार में पागल हो चुका है। चेहरे पर भोलापन है और आंखों में पागलपन। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। अर्जुन यार, मैं देख रहा हूँ कि जब से तू मुंबई आया है रोज शाम को यहाँ आता है। चक्कर क्या है ये? निशा ने कहा था कि वो हर रोज शाम को यहाँ जुहू बीच पर घूमने आती है। और अगर वो जिंदगी भर नहीं आई तो क्या समाधि लगा के बैठ जाएगा यहाँ? अर्जुन, क्या कर रहा है यार ये? शिवा, निशा मिल गई। मुझे निशा चोपड़ा से मिलना है। अरे भाई ऊपर जाने की परमिशन नहीं है ना पीछे। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उतरो उतरो उतरो। अर्जुन चल यहाँ से। पर मैं निशा से मेरी बात नहीं जा सकते। देख इधर इमरान कालिया बैठा है, फालतू में लफड़ा होगा। इसका भाई रमन कालिया यहाँ का दादा। मुझे कुछ नहीं पता, निशा से मिलना है मुझे। निशा चोपड़ा को मेरे होटल के कमरे में ले गया। मुझे नहीं लगता हुआ है। अरे आएगी कैसे नहीं साली। छोड़ नहीं सकता। मेरी निशा को गाली देगा तू? मेरी निशा को गाली देगा? मेरी निशा को गाली देगा? गाली देगा मेरी निशा को? मेरी निशा को? हाँ हाँ पाल गाली देगा तू? क्या तुम्हारे दोस्त ने विमल कालिया को पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया? रमन कालिया के भाई को? हाँ हल्दी भाई, अब रमन कालिया उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भला आदमी बेकार में मारा जाएगा। रमन कालिया के भाई को मारा? तू फिक्र मत कर, हम कुछ करता हूं। फोन करके आता हूं। चंदर, विमल कालिया शहर के जिस किसी भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ये आप क्या कह रहे हैं हल्दी भाई? रमन कालिया के साथ तो हम लोगों का पहले से 36 का आंकड़ा है, और उसका भाई मारा गया तो गैंगवार खुलेआम सड़कों पे होगी। पुलिस लाशें गिनते थक जाएगी हल्दी भाई। वो लड़का हमारी गैंग का है? नहीं हल्दी भाई, हमारे धंधे के साथ उसका कोई लेना देना है? नहीं हल्दी भाई। किसी ने उसको हमारे साथ देखा है? नहीं हल्दी भाई। जब हमारे आदमी ने मर्डर नहीं किया तो गैंगवार किस बात का? जा बेटा, फिनिश कर दे उसे। किया ना तूने मेरा भाई को मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल, किसने बोला तुझे मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल, हल्दीराम कितना पैसा दिया मेरे भाई को मारने के लिए? मैंने हत्या नहीं की। ये झूठ बोलता है साला। हाँ, अगर ये हल्दीराम का आदमी नहीं है तो सड़क पर नाचने वाली के लिए मेरा भाई। हल्दी भाई, हवालात में रमन कालिया मार डालेगा अर्जुन को। अरे अपने भाई की मौत का बदला तो लेगा ही। शिवा, हा? शिवा, शिवा, अर्जुन, शिवा, अर्जुन तू हवालात से कैसे आया? मैं हवालात से भागकर आया हूँ। मुझे अभी इसी वक्त निशा से मिलना है। पागल हो गया तू? देख, तू इसी वक्त यहाँ से ऋषिकेश चला जा, नहीं तो पुलिस या रमन कालिया दोनों में से कोई तुम्हें मार डालेंगे। मृत्यु का भय मेरे अंदर से समाप्त हो गया शिवा। मैं यहाँ निशा से मिलने आया हूँ और उससे मिलकर रहूंगा। हल्दी भाई, ये निशा है, आप इसका पता ढूंढ दीजिए। ढूंढता हूं, लेकिन तुम बाहर मत निकलना, बाहर पुलिस की बहुत नाकाबंदी होगी। शिवा, तू इसे अंदर ले जा। जा। धन्यवाद। चंदर, मुझे रमन का यमराज मिल गया है। अब इस बारूद के ढेर को चिंगारी कैसे देनी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अर्जुन, शिवा, ये मैंने पता लगा लिया। मुझे यहीं के लोगों ने बताया, कुछ लोग जीप में बैठकर आए थे, घर वालों को बाहर निकाला, आग लगाकर चले गए। पर निशा कहाँ है? निशा नहीं है, उसके रिश्तेदार आए थे, उसे उठाकर ले गए। कहाँ ले गए? अब ये मुझे नहीं पता। अब तू चल, पता करते हैं। अभी पता करते हैं। अरे शिवा, हम पता लगा लिया हूँ, रमन कालिया और उसके आदमियों ने ही आग लगाई। अरे ससुरा कालिया कसम खा लिया कि जैसे तू उसके भाई को बेरहमी से कत्ल किया, वैसे ही वो तुम्हारी निशा को तड़पा तड़पा के मारेगा। मैं रमन कालिया को समाप्त कर दूंगा। अरे तू उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस फोर्स में उसकी तूती बोलती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसके तलवे चाटते हैं। अरे उसका बहुत बड़ा गैंग है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसकी जड़ें चाहे जितनी भी मजबूत हों, मैं एक एक करके सबको उखाड़ दूंगा। पागल हो गया अर्जुन, ये तेरे अकेले के बस की बात नहीं है। अरे शिवा, हल्दीराम की आंख में क्या सुअर का बाल है जो इसको अकेला लड़ने को छोड़ देगा? अगर तुम्हारी इतनी जिद है तो ठीक है। रमन कालिया के खिलाफ तुम्हारी जंग में हल्दीराम की पूरी ताकत तुम्हारे साथ है। पंडित, इस वक्त रमन कालिया कहाँ मिलेगा? ये अख्तर, सिगरेट लाना जी। एक के बाद एक पंडित रमन कालिया के आदमियों को मारता गया। हल्दीराम के चंगुल में आकर वो गुनाह के कैसे चक्रव्यूह में फंस गया, जहां से वो शिवा डॉक्टर। तिवारी। यस सर। शिवा का अंतिम संस्कार पुलिस कस्टडी में होगा, मीडिया को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। ओके सर। जॉन साहब, अब मेरा ख्याल है शिवा के डाइंग स्टेटमेंट के बेसिस पर हम हल्दीराम को फाइनली अरेस्ट कर सकते हैं। ये वकील आया कि नहीं? पैसों के पीछे छिपकर तेरे गुनाह नहीं छिपेंगे। अदालत में तेरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे गलत फहमी हो गई यहाँ। दया हल्दीराम, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत है, अब तू नहीं बचेगा। हल्दीराम, तेरे गैंग का एक आदमी शिवा जो हमारी कस्टडी में है, उसने हमें सब कुछ बता दिया। शिवा? अरे कौन शिवा भैया? हम किसी शिवा को नहीं जानते, हम तो शिवजी का भगत हैं। अरे है कोई अंधेर नगरी में हमारी बात सुनने वाला? ये कोतवाल जबरदस्ती हम देहाती अनपढ़ गवार को उठाएंगे। सर, ये है श्री हल्दीराम के एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स। सर, रिलीज हिम। तुम पुलिसिया अपने आप को क्या समझते हो? अरे हमारा नाम हल्दीराम है। चलो, हम कल भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सरदर्द है और हमेशा रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक बना रखा है इन लोगों ने। एक ही तरीका है, हल्दीराम की गैंग का कोई आदमी सरकारी गवाह बन जाए। उनकी गैंग का आदमी हमारा प्रवर क्यों बनेगा? मुझे एक रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या? शिवा ने जिस लड़की का जिक्र किया वो निशा चोपड़ा, उसे हेडक्वार्टर बुलवाइए। शिवा का डाइंग स्टेटमेंट दर्ज करने के बावजूद भी वो हल्दीराम जमानत लेने में कामयाब हो गया। तुम उसको बेवकूफ समझता है? अगर पुलिस डिपार्टमेंट में मरा आदमी है तो उसका भी पुलिस वालों के साथ घुसपैठ है। अब जो करना मेरे को करना। मैं जब जेल के बाहर जाएगा तो सबसे पहले हल्दीराम की रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा, और वो रीढ़ का हड्डी है पंडित। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं चाहता हूं कि आप पुलिस की मदद करें। मुझसे कैसी मदद चाहते हैं आप? डिपार्टमेंट चाहता है कि पंडित हल्दीराम के खिलाफ सरकारी गवाह बने, और इस काम के लिए आप पंडित को कन्विंस कर सकती हैं। आई एम सॉरी सर, आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन है। मेरे कहने से पंडित सरकारी गवाह क्यों बनेगा? क्यों? तुम्हारे कहने से पहली बार वो हथियार उठा सकता है, तुम्हारे कहने से पहली बार जुर्म कर सकता है, तुम्हारे कहने से पहली बार कानून तोड़ सकता है, तो क्या तुम्हारे कहने से एक बार सरकारी गवाह नहीं बन सकता? तो आप कहना चाहते हैं कि पंडित की गुनहगार मैं हूँ? गुनहगार तो तुम हो ही निशा चोपड़ा, क्योंकि तुमने ऐसे हालात पैदा किए हैं जिससे एक सीधा साधा भोला इंसान गुनहगारों का पंडित बन गया। मेरा बस चले तो पंडित से पहले मैं तुम्हें गिरफ्तार कर दो, सजा दिलवाऊं। I've had enough। पुलिस डिपार्टमेंट का काम ये नहीं कि एक सिटीजन को धमकी दे, उसकी इंसल्ट करे, बल्कि आपका काम है क्रिमिनल को अरेस्ट करें, उसे सजा दिलवाएं। फाइनली पंडित हर क्रिमिनल की तरह पकड़ा जाएगा, उसे फांसी भी हो जाएगी, और शायद उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। Can I go now? Yes, thank you very much. पंडित की जिंदगी तुमने तबाह कर ही दी, उसे सरकारी गवाह बनाकर कम से कम एक बार तो उसका भला कर दो। पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया है। वो कहते हैं कि मेरे कहने पर पंडित सरकारी गवाह बन जाएगा। इमरान, मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ? क्या लेना देना है मेरा? Just relax, we will discuss this later. मैं नमाज पढ़ के अभी आया। निशा, कैसी हो तुम? तंग आ गई हूँ मैं। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये दुर्गति हो गई है कि इस शहर की सड़कों पर डर डर के चलना पड़ता है मुझे। अपने ही घर में दहशत और खौफ में जी रही हूँ मैं, और अब तो पुलिस वाले भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। नर्क बना दिए तुमने मेरी जिंदगी। निशा, मैं आज तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूँ। मैंने पंचांग से मुहूर्त निकाला है। इस महीने की 27 तारीख को हमारे विवाह की तिथि निकली है। समय बहुत कम है, इसलिए इन कार्डों में से कोई भी एक कार्ड पसंद कर लो, आज ही छपवाने हैं। कैसे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी? अगर तुम्हें गलत फहमी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो भूल जाओ इसे, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, नफरत। एक गुनहगार के साथ शादी करने से तो बेहतर होगा कि मैं भी अपनी बहन की तरह आत्महत्या करूं। बहुत हो गया। अब मैंने तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना निशा। मैं अपराधी बना क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया, और अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं था बल्कि तुमने मेरे साथ षड्यंत्र रचाया था तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया निशा, और तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित यही है कि तुम मुझसे विवाह करोगी। बंद करो अपनी ये बकवास। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन कर रही हूँ और वो यही तुम्हारा इनकाउंटर करेंगे। रुक जाओ निशा। क्यों? मौत का नाम सुनते ही डर गए? नहीं, जब कोई नमाज पढ़ रहा होता है तो उसके सामने से नहीं गुजरते, समझी? निशा, जब तुम पुलिस कमिश्नर से बात करोगी तो उन्हें 27 तारीख को हमारे विवाह का न्योता जरूर देना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं तुमसे शादी करूंगी? I'll have you arrested, अर्जुन दीक्षित। तुम्हें फांसी होगी। निशा, are you all right? मैं अर्जुन को किसी सुनसान जगह पर बुलाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। फिर ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेवकूफों की तरह बात मत करो निशा। पुलिस आज तक खुद पंडित को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, इसीलिए वो तुम्हारे कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चलाना चाहती है। तुम्हारा और पंडित का जाती झगड़ा है, एब्सोल्युटली पर्सनल। तुम्हारा अपना मसला है, तुम्हें खुद ही सुलझाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? पर इमरान, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? He's made my life miserable. और पुलिस समझती है कि अर्जुन दीक्षित को पंडित बनाने की जिम्मेदार मैं हूँ। वो तो तुम हो। Shut up! ये सब क्या है पापा? शगुन। किसका शगुन? पंडित और उसके आदमी यहाँ आए थे। पंडित ने तेरी बहन की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई, धूप दिया दिखाकर माफी मांगी और अपनी तरफ से आज तेरे साथ सगाई पक्की करके गया है। ये अंगूठी भी रखकर गया। बस करिए। फोन देना। अच्छा, जरा होल्ड करना। आपका फोन है। मुझे किसी से बात नहीं करनी। आपकी निशा का फोन है। निशा? हेलो निशा? निशा का फोन है। देखना भी फिर पागल हो जाएगा। जॉनी हफीज। हाँ? निशा मुझसे मिलना चाहती है कल सुबह। बारिश का भूत। माशूक मिले तो खुमार है, ना मिले तो बुखार। तुम लोग यहीं रुको। निशा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे मेरे बीच की इस दूरी को मैं हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? मेरे साथ घर बसाओगे? मेरी अंतिम इच्छा तो यही है निशा, पर तुमसे सुनकर विश्वास नहीं हो रहा। पर इस इच्छा का कल बहुत भयानक है अर्जुन। तुम सामने रहोगे तो मैं सुहागन रहूंगी। आंखों से ओझल होते ही विधवा होने का डर रहेगा। और कौन सा गुनहगार अपने बच्चों को भविष्य दे पाया है जो तुम दे पाओगे? बेटा हुआ तो बिना कोशिश गुंडे उसे अपना मुखिया मान लेंगे। बेटी हुई तो कोई भला लड़का उसके साथ घर नहीं बसाएगा। जिस गुंडे के पल्ले बांध दोगे उम्र काट देगी। ना हम शांति से जी पाएंगे, ना हमारा परिवार। क्या यही सपना है तुम्हारा? क्या यही जिंदगी होगी मेरी? आज पंडित के जीवन का अंतिम दिन है। तुमसे नफरत करती हूँ अर्जुन दीक्षित, नफरत करती हूँ। I hate you। निशा बेटी, निशा बेटी। पापा, चलो ये घर छोड़ के चलते हैं। और हुआ क्या बेटी? मैंने पंडित को जान से मारने की कोशिश की। ये सब क्या किया तूने? क्यों किया? और मैं क्या करती पापा, उसने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया था, मेरा जीना आराम कर दिया था। ऐसी घुटन में रहने से तो अच्छा था मैं उसे खत्म कर देती, पर वो बच गया। दीदी क्या बात है? अब समझने समझाने का वक्त नहीं है, हमें अभी इसी वक्त ये घर छोड़ना है। छोड़ा, तुम्हारा अभी इसी वक्त मेरे साथ विवाह होगा। ये शादी का जोड़ा नहीं, कफन है मेरे लिए। निशा जोड़ा उठाओ, मैं विधिवत विवाह की तैयारी करता हूँ। विवाह? कौन करेगा मुझसे विवाह? अर्जुन दीक्षित, जिसकी वजह से मेरी मासूम बहन को जिंदगी गंवानी पड़ी। वो कार जो 50 मंत्र तो पढ़ सकता है, पर एक सच्ची गवाही नहीं दे पाया। या फिर मेरे साथ साथ फेरे लेगा पंडित, जिसका हाथ किसी ना किसी के खून से रंगा है। मैं मरना पसंद करूंगी अर्जुन पंडित, पर तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। नहीं, 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 ये क्या कर रहे हो? आज या तो 7 फेरे होंगे तुम्हारे साथ, या तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार। नहीं, नहीं। मत मारना मेरे बिट्टू को, मत मारना। तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मेरे बिट्टू को मत मारना, प्लीज मेरे बिट्टू को मत मारना। देखो ये कैसा संजोग है निशा। उस दिन मैं संजय शर्मा के खिलाफ गवाही नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे पूरे परिवार का जीवन दांव पे लगा था। और आज इस अग्नि को साक्षी मानकर तूने मुझे अपना पति मान लिया, क्योंकि तुम्हारे इकलौते भाई की जान दांव पे लगी थी। निशा, अपने जीवन से ज्यादा अपनों की मृत्यु का भय होता है इंसान को, वरना अपनी मौत के डर से कोई नहीं टूटता। सिर्फ अपने रिश्तों का कर्ज चुकाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है, जैसे उस दिन मैं हुआ था और जैसे आज तुम्हें होना पड़ा। अगर उस दिन मेरी बेबसी को समझकर तुमने मुझे क्षमा कर दिया होता, तो आज इस पंडित का जन्म नहीं होता। मुझे माफ करना बिट्टू, जाओ। क्या पंडित ने मेरी बेटी से शादी कर ली? रम मुबारक हो, आपकी बेटी का घर बस गया। पापा? पापा? कौन पापा? किसका पापा? इस शहर में सबका पापा, पंडित का ससुर यानी कि शहर का पापा। मैं उस पंडित का खून कर दूंगा। अजीब आदमी है यो, अपने हाथों से अपनी बेटी को बेवा बनाना चाहता है। पापा, पंडित इस देश का भविष्य है, आप देखना एक न एक दिन वो प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। लो जी, आप बैठे बिठाए प्रधानमंत्री के ससुर और ये प्रधानमंत्री का साला। मिठाई खाओगे? जरा इतना सवाल है, पागल पागल हमको बता दे आज तेरा जो हाल है। पागल पागल हे, सुन जरा इतना सवाल है, हमको बता दे आज तेरा जो हाल है। पागल 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 झूम उठा जो दिल, तो हो गया मैं पागल पागल। मिल गई जो मंजिल, तो हो गया मैं पागल पागल। हर पल बरसती है एक मस्ती, हर पल बरसती है एक मस्ती, दिल में है जैसे कोई हलचल 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 हलचल। पागल 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 है, झूम उठा जो दिल, तो हो गया मैं पागल पागल। जिसे अपनाने को ये दिल बेताब था, दिल बेताब था, जीना एक अज़ाब था। कल वो जो आरज़ू था, कल वो जो ख्वाब था, कल वो जो ख्वाब था, कैसा लाजवाब था। वो मिल गया है तो गम ही क्या है, वो मिल गया है तो गम ही क्या है, दिल में है जैसे कोई हलचल 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 हलचल। पागल 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 है, झूम उठा जो दिल, तो हो गया मैं पागल पागल। कैसे मैं बताऊं मेरी कैसी मनमीत है, कैसी मनमीत है, कैसी तेरी प्रीत है। मेरी धड़कनों का, मेरी सांसों का वो गीत है, सांसों का वो गीत है, मन का संगीत है। दीवाने दोस्तों की दुआएं आज ले ले, तेरे रास्तों में लगे फूलों के मेले। न कोई उलझने हो, न हो कोई झमेले, तू अपना प्यार पाके सदा खुशियों में खेले। इतनी दुआ दो कि अब जो भी हो हाथों से छूटे ना ये आंचल आंचल आंचल। Come on baby, let's sing and dance, oh baby. Khedar ghagalo, dachedar chundari, khedar ghagalo, dachedar chundari. Hey, dungar upar dungari aur us pe naache moor, dungar upar dungari aur us pe naache moor. Kitne sare deewane kar gaye ko shor. Khedar ghagalo, dachedar chundari, khedar ghagalo, dachedar chundari. Hey, Dad. सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पंडित निशा आप ठीक है? तुम उसे जाके मिल सकते हो। आज मेरा भ्रम टूट गया निशा। तुम तो एक उद्देश्य लेकर आई थी मेरे जीवन में, जिसे मैं प्यार समझ बैठा। इसमें मेरा कसूर है, तुम्हारा नहीं। मैं सब कुछ सह सकता हूँ निशा, मगर तुम आत्महत्या करो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भूल जाओ इस विवाह को। विवाह तो दो आत्माओं का मिलन होता है। मांग में सिंदूर भरना, सात फेरे लेना, ये सब एक रीति रिवाज है। और इस रीति रिवाज के बंधन में मैंने तुम्हें जबरदस्ती बांधा। आज मैं तुम्हें इस बंधन से स्वतंत्र करता हूं। सब तो ठीक है, लेकिन ये तुमको भी समझना चाहिए ना। अरे काम है का? अरे पंडित, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अरे जिस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया वो रमन कालिया, कल ये सर यहाँ हो रहा है। हमें लगता है कि तुम कल ही उसे फिनिश कर दो। अब मेरा किसी के साथ कोई बैर नहीं हल्दी भाई। मैं शहर में निशा के लिए आया था। आज जब वो मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरा इस दुनिया के साथ क्या वास्ता। मैंने फैसला कर लिया हल्दी भाई, मैं ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। हमारे धंधे में जो अपने मर्जी से छोड़कर जाता है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है हल्दी भाई। हल्दी बहुत ही काम की चीज होती है बेटा। दूध में मिलाकर पी जाओ तो शरीर का पूरा दर्द खत्म हो जाता है, और चूने में मिलाकर जख्म पे लगाओ घाव भर जाता है। हल्दीराम के पास इस पंडित का भी इलाज है। रमन भाई, हल्दीराम आया है। क्या बोला तू? कौन आया? हल्दीराम। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विजयी हो रमन भाई हमारे, बरसों बाद घर में पधारे। हल्दीराम, मैं जानता तू गिरगट, लेकिन आज मेरे होटल में बिना घोड़े के, बिना सिक्योरिटी के तू मेरे साथ कौन सा खेल खेलने आया? हम खेलने नहीं आया हूँ रमन भाई, सौदा करने आया हूँ। तुम एक सौदा करना चाहते थे ना कि तुम्हारे फिरौती का धंधा मैं ले लूं, मंजूर है? पंडित किधर? देखो रमन भाई, अगर तुम पंडित को मरवा दोगे तो तुम्हारे भाई की मौत का बदला अधूरा रह जाएगा। अरे कैसे तड़पा तड़पा के मारा था बेचारे को। पंडित को भी वैसे ही तड़पा तड़पा के मारना होगा। वो कैसे? वो पुरानी कहानी तो सुनी होगी जिसमें राक्षस की जान एक तोते में रहती है। वैसे ही पंडित की जान भी एक कबूतरी में अटकी है। अरे वही लड़की जो नाच रही थी जब तुम्हारा भाई मारा गया था, निशा। पंडित अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है उसे। अगर तुम उसे फिनिश कर दो तो पंडित तो पागल हो जाएगा और सर पटक पटक कर खुद भी फिनिश। वो लड़की किधर? अल्लाह का शुक्र है निशा कि तुम्हारी जान बच गई। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा रिश्ता भी टूटा और शादी भी टूटी, शादी होने के बाद। एक बात का जवाब दोगी, तुमने खुदकुशी क्यों की? क्या इसलिए कि पंडित ने तुमसे शादी जबरदस्ती की, या तुम्हें इस बात का एहसास हो गया कि तुमने जो कुछ भी अर्जुन दीक्षित के साथ किया वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है? निशा, मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। आज मैं इस अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता हूँ। विदा लेने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आया हूँ। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफें दी। मुझे माफ कर दो निशा। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये नाटक। तुमने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है, उसकी खुशियाँ छीन ली है, वरना आज उसकी शादी हो गई होती और वो सुख चैन की जिंदगी जी रही होती। तुम्हारी वजह से उसका सब कुछ खत्म हो गया, तुमने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, मैं ही ठीक करूंगा। तुमसे निवेदन है निशा, आखिरी बार मेरे साथ चलो। तुम अर्जुन पे भरोसा कर सकती हो निशा, जाओ उसके साथ। हाँ जानी, तुम लोग चल लो। ठीक, मैं यहाँ रुकता हूँ। ये तो सिद्धार्थ का घर है। सिद्धार्थ का घर? निशा, यहीं से तुम्हारे नए जीवन का आरंभ होगा। सिद्धार्थ बाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप घबराओ मत। देखो, मैं निशा को अपने साथ लाया हूँ। निशा? अरे मेरा यकीन मानो, मेरा निशा के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जिस दिन से तुम उसे मंडप से उठाकर ले गए हो, मैंने निशा को मिलने तक की कोशिश नहीं की। निशा को मंडप से उठाकर ले जाना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसे आज मैं सुधारने आया हूँ। मैं आज के बाद आपके और निशा के बीच में कभी नहीं आऊंगा। मगर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं अपनी चाहत नहीं, अपनी प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूं। मेरी आपसे विनती है कि आप निशा से विवाह कर लीजिए। क्या कहा तुमने? मैं निशा से शादी कर लूं? हाँ सिद्धार्थ बाबू, आप निशा से विवाह कर लीजिए। नहीं, देखिए मेरी बात मत ठुकराइए, आप निशा से विवाह कर लीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आपको निशा से विवाह करना ही पड़ेगा। नहीं करूंगा। अजीब आदमी हो। जब मैं निशा से शादी करने जा रहा था तो तुम उसे मंडप से उठाकर ले गए और मुझे मारा। अब मैं शादी से इनकार कर रहा हूं तो तुम मुझे जान से मारने चले हो। क्षमा करना सिद्धार्थ बाबू, क्रोध में आकर मैंने ये रिवॉल्वर उठा लिया था। निशा जैसी पत्नी मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। आप निशा को इतना सुख देना कि दुख उसके जीवन को छूकर भी ना गुजरे। मेरी बात मान जाइए सिद्धार्थ बाबू। जहां आपकी इच्छा थी वहीं आपकी बेटी का घर बस रहा है। चोपड़ा साहब, ये सब मैं सब समझाता हूं। आइए अंदर बैठिए। आओ बेटी। ये जॉनी कहां चला गया? जॉनी, 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 जॉनी। अटक, जॉनी कहीं नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन उसकी गन यहीं कहीं होगा। जॉनी, उधर से जाना, जा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार्ड में गए, चलो। अरे चलो मेरे साथ। हाँ हल्दी भाई, हाँ चंद्र बोल रहा हूं मैं। हाँ पंडित, पंडित ओके, हल्दी भाई ने मुझे भेजा है। ओके, रमन कालिया तुझे मारने के लिए ढूंढ। चंदर, हाँ वो रामी पंडित तेरे को दिखा क्या? कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम तुम यहाँ से जाओ, कोई कातिल है। निशा वहाँ से जाओ ना तुम, कहाँ जाए जाओ। हाले दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे, जख्म को फूल बताए तो बताए कैसे। उठ के महफिल से, उठ के महफिल से कोई जाए तो जाए नहीं है ना सहारा है कोई। कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है ना इशारा है कोई। सोच में डूबा हुआ दिल है, कहाँ जाए कोई। हरामी, इस पथुरिया के लिए हमको छोड़ के चला। अर्जुन, साले, जब तू इस शहर में आया तू था एक पोंगा पंडित, हम बनाए तुझे एक चीन पंडित। अरे तुझे अपने पास रखने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। रमन कालिया के भाई को नरक में पहुंचाया, इस पथुरिया का घर चलाया। पुलिस को हल्दीराम के खिलाफ एक गवाह चाहिए और वो सरकारी गवाह तुम बनोगे अर्जुन। अर्जुन अगर ये मर गया तो तुम्हें फांसी हो जाएगी अर्जुन, और मुझे सारी जिंदगी तुम्हारी विधवा बनकर जीना पड़ेगा। अर्जुन चलो। अर्जुन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित। हे राम।